आफताब और श्रद्धा के मर्डर केस में हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि काश श्रद्धा ने पिता से मदद ले ली होती, कि काश श्रद्धा ने पिता से सलाह ले ली होती, पिता को बता दिया होता। लेकिन ये जो सूटकेस में लड़की जो आपको हाईवे किनारे पड़ी नजर आ रही है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का पिता है। दरअसल मथुरा के पास एक लाल सूटकेस हाईवे पर मिला, जहां पर एक लड़की की लाश दिखी। जब उसे खोला तो जिसने भी ये तस्वीर देखी वो सहम गया कि किसने इतनी बेरहमी से इस लड़की को मार दिया। और इस लड़की के शरीर पर गोलियों के निशान थे और कहीं घाव भी थे। फिर इसे पैक करके पन्नी के अंदर सूटकेस में डालकर कोई फेंक कर चला गया। पुलिस ने इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये लड़की दिल्ली की रहने वाली है और इसका नाम आयुषी है और उम्र केवल 21 साल है और इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का पिता है। दरअसल ये लड़की अपने घर से बिना बताए चली गई थी और उसके बाद पिता काफी गुस्से में थे। जब ये लड़की घर पर लौटी तो पिता ने अपना सारा गुस्सा इस लड़की पर निकाल दिया, बेरहमी से मारा पीटा गोलियां मारी और फिर उसके बाद उसे पैक करके सूटकेस में ले जाकर हाईवे के किनारे फेंक कर चले आए। आप सोचे कि एक तरफ पिता का जिक्र हो रहा था तो दूसरी तरफ पिता ही कातिल निकला। सवाल यह है कि जब रक्षक ही बक्षक बन जाए तो इंसान कहां जाए और किसे क्या कहे और क्या बताए। अगर जन्म देने वाला ही अगर मौत दे दे तो इंसान क्या करे। बहुत दुखद घटनाएं आती है हर रोज कुछ ना कुछ।